नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर जागृति फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर विवेक कुमार ने देशवासियों से आह्वान किया कि बाबा साहेब के देश निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को खुले मन से स्वीकार करें। कार्यक्रम में राजेश कुमार, रतिराम गौतम, सुरेंद्र सिंह ने भी राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रबंधक रतिराम गौतम और संचालन फाउंडेशन के अध्यक्ष केडी गौतम, सचिव एसपी सिंह के द्वारा किया गया। सहारनपुर में सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज पेपर मिल रोड शेखपुरा कदीम सहारनपुर का 53वां उर्स मुबारकबाद शाही भंडारा बड़ी धूमधाम व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। डेरा प्रमुख डीबीएन महाराज बड़े सरकार की सरपरस्ती में सर्वप्रथम विशाल जलूस शाही भंडारा व शाही चादर का आयोजन हुआ और संपूर्ण भारत वर्ष के 29 गद्दियों से आए गद्दी नशीनों ने परवर दिगार की बंदगी करते हुए जलूस व शाही चादर का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य रूप से क्षितिज मेहता छोटे सरकार, फिल्मी कलाकार निहारिका बेदी, मुश्ताक अहमद डायरेक्टर, एके सेठ, राम नरेश यादव पूर्व मंत्री, यज्ञवेंद्र सिंह डीआईजी बीएसएफ, भूषण कालरा, शक्ति कुमार, हरमीत सिंह सचदेवा आदि लोग मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित ओशो हेल्थ टेम्पल के मुख्य प्रशिक्षक उमेश रोहित के नेतृत्व में एक ओशो जैन योगा मार्शल आर्ट की कलर बेल्ट टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्थापक उमेश रोहित ने बताया कि ओशिजन योगा मार्शल आर्ट ध्यान व योग पर आधारित मार्शल आर्ट है, जिसे संक्षिप्त में ओजीमा बोला जाता है। आज ये ओशो हेल्थ टेम्पल पर ओशिजन योगा मार्शल आर्ट, जो ध्यान और योग पे बेस्ड मार्शल आर्ट है, उसके बेल्ट टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें ओजीमा साधकों को अलग अलग विधाओं में जैसे जिमनास्टिक, योगा, टाइकोंडो, रेसलिंग, लाठी, इन सब विधाओं में अपनी पारंगतता को साबित करना होता है और जिसके बाद उन्हें बेल्ट की प्राप्ति होती है।